अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूटी टिप्स। आज की जो रेसिपी लेके आई हूँ मैं आपके लिए वो है डाइट प्लान के हवाले से। कद्दू का रायता है, ये वेट लॉस के लिए बेहतरीन है, आप लोगों के लिए लो कैलोरी डाइट है ये। अगर आप खाना चाहें तो लंच में इसके साथ कोई भी एक चिकन का पीस या कुछ भी जो भी मीट बॉल वगैरह बना हुआ हो एक पीस ले सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। दूसरे, ये आपको कोई भी डाइट के हवाले से या वेट के हवाले से क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन देनी हो ज़रूर दें, मुझे अच्छा लगेगा। आप कमेंट किया करें, बताया करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी क्या बुरी लगी। आपके सारी सजेशंस कमेंट्स मैं पॉजिटिव ही लूँगी हमेशा, और कोशिश करूँगी इस चैनल को इम्प्रूव करने की। ये चैनल आपके लिए है ताकि आपको फ़ायदा पहुँच सके। तो आज की रेसिपी देखिएगा एंड तक, और इसी के साथ मज़े की और भी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी मैं इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। कि मेरे पास है दही एक कप, और ये मैंने कर लिया था कद्दू को बॉईल, एक बॉईल आने पे मैंने निकाल लिया था। कभी भी सब्जियां ओवर कुक मत करिया करें, क्योंकि उससे ये होता है कि सब्जियां ओवर कुक करने से ना आपकी सब्जी की अफादियत आती रहती है, ठीक है। इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। और दूसरे ये कि इसको ना आपने ठंडे पानी से निकाल लें, फ्रिज का ठंडा पानी हो तो उससे निकाल लें, ज़्यादा बेहतर। ड्रेन करते हुए फेंकेंगे उस पर तो ये ठंडा जल्दी हो जाएगा। फिर इसमें आप डालेंगे 1 pinch salt और थोड़ा सा ज़ीरा, अगर अच्छी लगेगी तो बाद में ऊपर से स्प्रिंकल कर लूँगी ब्लैक पेपर, और ग्रीन चिलीज हो तो ज़रूर डालिएगा चॉप करके, मुझे अच्छी लगती है। मैं आज है ही नहीं है घर पे, कोई भी नहीं है जिसे मंगवा सकूँ, वेंडर भी नहीं आया, लोग भी नहीं गए, बाहर जाना ही बंद हुआ सबका। तो बहरहाल ये मैं अब इसको करने लगी मिक्स, और मिक्स करके मैं आपको बता दूँ ब्लैक पेपर डाल के ये कितनी अच्छी बनी। करी मिक्स मैंने काली मिर्च ऐड कर ली है 1 pinch, और इसको मैं रख दूँगी दोपहर के लंच के लिए अपने लिए। मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी, अगर मेरा दिल किया साथ कोई कोफ्ता वगैरह एक पीस लेने का तो कोफ्ता ले लूँगी, नहीं तो चिकन ले लूँगी, जो भी बना होगा घर में वो। थोड़ा सा रोटी हर किसी नहीं खाऊँगी ना ही चावल, ठीक है। तो इसको ठंडा करके अच्छे तरीके से ये एक बाउल में आज अपने लंच में फिनिश करूँगी। ये भी मेरा डाइट का प्लान का हिस्सा था, डाइट प्लान का हिस्सा, ठीक है। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ लेके आऊँगी, आलू और खीरे वाला रायता भी लेके आऊँगी, वो भी यकीन जाने बहुत मज़े का बनता है। स्पेशली ये जो है ना गर्मियों में आप लोग अपने लंच में ज़रूर प्रिपेयर करके रखा करें एज ए साइड डिश। ठंडा होता है कद्दू, अफादियत में बहुत बेहतरीन है कद्दू की, तो वैसे ही आपको पता है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खाना ना, तो बुखार में बड़ा आराम देता है, सर दर्द होता है बड़ा आराम देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफादियत है इसकी, काउंटलेस। तो ठंडी है इसकी तासीर, और जब भी आप कद्दू बनाएं ज़रा थोड़ा चख लिया करें, कई दफ़ा कड़वा भी निकल आता है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट रेसिपी में मैं मिलती हूँ, ये एजेस क्लियर कर लूँगी, इसको रख दूँगी फ्रिज में, और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।